इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। रोजगार है मेरा नाम, कांग्रेस से हूँ मैं। और डीजल, पेट्रोल, गैस और खराब मान का मीठा तेल, चावल, ये सब महंगाई करने की वजह से हम लोग आज यहाँ आके चिल्ला सिलगा की चाय बना रहे हैं। क्योंकि आज लेडीज की ये परिस्थिति है, ये लकड़ियाँ लेकर चिल्ला सिलगा को रो लेते, बैठने की जिंदगी है हमारी। क्या हमें ऐसी जिंदगी काट रही, 5,000-10,000 में हमें जिंदगी करना, घर का भाड़ा देना, लाइट का बिल निकालना, बच्चों का टीका निकालना, और अभी ऑनलाइन स्टडी निकाले अभ्यास करने के रुपये है, तो अभी फोन चाहिए, उसको नेट पैक चाहिए, और ऊपर से जास्ती खर्चा दे रहे हैं। मोदी सरकार आके क्या कर रहे हैं हम लेडीज के लिए, क्या है? हम एक साल हम लोग जिंदगी भर रो रहे हैं, अभी तक रोते बैठे हैं तो और रुला रहे हैं। हमको तकलीफ हमको ही है, हमको त्रास है, वो उधर बैठ के आराम से खा रहे हैं। ಡೈಲಿ ರೇಷನ್ ತರೋದು ಅದು ಇದು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಏನು ಬಾಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಖರ್ಚು ಏನು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿನ್ಸಿ ಸಾಮಾನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸುಸ್ತದ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ರೇಟ್ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಅವ್ರ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಈ ತರ ರೇಟ್ ಬಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮೊದಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಕೇಸಸ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆನೆ ಹೆಚ್ಚಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಇವರು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರು ನಮ್ಮಂತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? आबिया सफिया के जो मर्डर केस है, जो गैंगरेप के बाद में उसको मर्डर किया गया, हर एक पार्ट को एक बेरहमी से काटकर उन्होंने एक इतनी क्रूर हत्या की है, अगर वो बयान भी करेंगे तो रोंगटे कांप जाते हैं हमारे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हत्या पहली नहीं है, ये हत्या बार बार हो रही है। इसके पीछे सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो विफल है, क्योंकि दिल्ली जो हमारी राजधानी है वो सेंट्रल में आती है। उसकी जो पुलिस की जो बंदोबस्त है वो पूरा की पूरा सेंट्रल में आता है। कौन उसकी जिम्मेदारी? हमारे अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनकी आती है। उनके अंडर में आज एक केस, पुलिस डिपार्टमेंट जो रक्षक है पब्लिक की, वही रक्षक भक्षक हो गई है। जो उनके साथी रहने वाली एक महिला का हत्या होता है और उसका गैंगरेप होता है, एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। पूरी दुनिया में है, ये देश में तो है ही है, दुनिया में है, कि एक महिला लोगों को सुरक्षा करने के बदले अपने खुद की सुरक्षा भी नहीं कर ले सकी। ऐसे हालत के अंदर हमने हमारी मांग है कि इसकी इंक्वायरी CBI से हो और फास्ट ट्रैक के अंदर इसका केस चले जल्द से जल्द। और तीसरी मांगनी है, जो भी इसके हत्यारे हैं, जो इसके आरोपी हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए और एक दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम की जाए कि दोबारा ऐसी कोई हरकत कोई भी ना करे। सैफी के हक में मेमोरेंडम देने के लिए इधर यहाँ पे सब जमा हुए हैं। राबिया सैफी, जिसका आप सब लोग जानते हैं कि जिसका रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है और उसका हत्या भी हो गई है, तो हम उसी के कानून, जो निर्भया केस में जो कानून पास हुआ था, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ है? यहाँ पे क्यों जस्टिस नहीं हो रहा है? एंड रेप बढ़ता जा रहा है, रेप कम नहीं हो रहा है, रेप ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है। तो कानून और प्रशासन क्या कर रहे हैं? आप लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है। ये कानून के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं, जो ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हें खुद समझ कर इस पे आवाज उठानी चाहिए कि
ना आप सब लोग जानते हैं कि ना बेटी बच रही है और ना पढ़ रही है। सो राबिया के लिए हम जस्टिस चाहते हैं, जिन दुष्कर्म जिन्होंने भी किया है उनको फांसी देने की जल्द से जल्द हम अपील करते हैं। ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ರೇಪ್ ಅಂತೂ ಗುರುತಾದ ಮೇಲೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣನೇ 15-20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗೋದು ಬಂದಾಗತ್ತೆ। ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇವಾಗಿಂದಲ್ಲ 75 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಯಾವುದೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ನಮ್ಮ ಕೊರಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕುದಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ ದೇವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಡಕ ಕಾರ್ವಾಯಿ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ। ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋರಿಗೆ? ಆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ, ವಕೀಲರು ತಗೋತಾರೆ ಕೇಸು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಇದರಿಂದ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ। बीमार में जिंदाबाद, बीमार में जिंदाबाद, बीमार में जिंदाबाद। और लोगों को बताते रहिए, ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो लोगों को समझेगा, और अगर घर में बैठेंगे तो लोगों को नहीं समझेगा इन चीज़ों के बारे में। तो आज का ये जो हमारा प्रोटेस्ट था, ये एक गवर्नमेंट के खिलाफ था और इस हत्या के खिलाफ था। आरोपियों को जल्द से जल्द शिक्षा हो, इसके आरोपियों को फांसी पर लटकाया जाए, यही हमारी मांग है। आज हमारे टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के भाई लोग भी हमारे साथ मौजूद थे और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे आने वाले दिनों में अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ तो पूरे भारत देश में, इसके पहला भीम आर्मी के तरफ से कैसे पूरे भारत देश में बंद करने का काम किया, उसी तरह आगे भी करते रहेंगे। जय भीम, जय टीपू सुल्तान, जय भीम आर्मी। बिल्कुल सही है, जब से सेंट्रल में जो है मोदी की हुकूमत बनी है तब से देखा जा रहा है कि देश में जो है बस से बस हालत बिगड़ते जा रहे हैं और अक्सर और बेशतर औरतों पर जुल्म हो रहा है। ये लोग अफगानिस्तान की बात करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, जब हमारे भारत में ही बेटियाँ सुरक्षित नहीं तो आप क्या खाक अफगानिस्तान की बेटियों की सुरक्षित करेंगे? मैं इनको सख्त से सख्त अल्फाज में इनकी मजम्मत करते हुए बोलता हूँ कि आप लोग जो है ना ऐसा कानून बनाएं जिस तरह से इस्लाम में जनाखोर को जो है और जो औरतों की इज्जत के खिलाफ काम करता है उसको जो है
उसको सरनाश करने का जो हुक्म दिया गया है वो कानून जो है ना इसमें लाना चाहिए। और जब से मोदी की हुकूमत यहाँ पर हुई है तब से देखा जा रहा है कि औरतों पर जुल्म हो रहा है। आप अच्छी तरह सुन ले सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ऐसे ही अगर जुल्म औरतों पर बढ़ता गया तो पब्लिक जो है रस्ते पर आएगी और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कानून तो बहुत कमज़ोर है भारत देश का, क्योंकि हर लाइन से बिल पास करती है सरकार। नाश्ते में बिल पास करती है, दोपहर के खाने में बिल पास करती है, मगर जब एक भारत की बेटी को बचाने का कानून की बिल पास करो तो इनके पास वक्त नहीं है। जब इनकी बहू बेटियों को गंदी नज़र से लोग देखेंगे या हाथ डालेंगे तब इनको समझ में आएगा ये सरकार के लोगों को। हमारी दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को जो है फांसी दिया जाए, नहीं तो इनके हाथ से अगर नहीं होता, गवर्नमेंट और सरकार के हाथ से इनको सज़ा देने नहीं होती तो हमारे हाथ में दे दो, अवाम के हाथ में दे दो, हम उनको क्या दिखाना है दिखा देंगे इंशाल्लाह। मैं आज बोलना चाहती हूँ राज्य और राष्ट्र में जो सरकार है बीजेपी सरकार, उसको मैं धिक्कारती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये सरकार बनाने में विफल हुई है। आज सरकार जो भी है, मैं बोलना चाहती हूँ मोदी जी ने जब अपना एक इलेक्शन जीतने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, क्या आपने इसलिए हमें नारा दिया था कि हमारे पर दिन रोज अत्याचार हो, हमारे पर रेप हो? आज कहीं भी बेटी ना पढ़ रही है ना कहाँ पे भी बेटी बच रही है। आपको शर्म आनी चाहिए मोदी जी, आपने कहा था कि आप हमारे लिए एक कानून लाएंगे, जिस किसी ने भी जो रेप करते हैं उनको समझ आना चाहिए, जिस औरत का वो रेप करते हैं उसके माँ के पेट से वो पैदा होता है, जिस बहन के हाथ से वो कलाई में राखी बांधता है वो भी एक बहन होती है। आपको शर्म आनी चाहिए सरकार को, आपको पैसे देके सरकार बनानी आती है लेकिन औरतों के लिए कानून बनाना नहीं आता है। क्योंकि आपकी अगर बेटी होती या आप अपनी संसार में रहते आप अपनी बीबी के साथ रहते तो आपको उसका तकलीफ पता होती। मोदी जी आज मैं कहना चाहती हूँ अगर आने वाले दिन में अगर आपने हमारे लिए कानून नहीं बनाया तो कसम है इस बेटी की, हिंदुस्तान की बेटी की कसम है कि आप अगर कानून नहीं बनाएंगे तो हम औरतें हम कानून बनाएंगे, जो रेप करते हैं उनकी नसें हम खुद कट करेंगे और वो किसी के भी लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको सरकार चलाना नहीं होता, अगर आपको बेटी को बचाना नहीं है तो आप शर्म से डूब मरिए और इस सरकार को राजीनामा दीजिए, मैं बोलना पसंद करूंगी। अगर औरत के लिए इज्जत के लिए मुझे जान देना है तो ये आयशा हमेशा अपनी बहनों के लिए और भाइयों के लिए सुरक्षा के लिए खड़ी रहेगी। बस इतना ही कहूंगी।